बच्चों, गुरुकुलम के द्वारा एक नया बैच फिर से लॉन्च किया जा रहा है। बैच का नाम है आपका संस्कृत। ये स्पेशल बैच है बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए, जिनका फाइनल एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है। उन सभी छात्रों के लिए ये बैच विशेष रूप से लॉन्च किया जा रहा है। इस बैच में मात्र और मात्र केवल और केवल संस्कृत की पूरी कहानी कंप्लीट कराया जाएगा। संस्कृत के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण हो, या फिर पार्ट 1 हमारा लिटरेचर हो, या फिर पार्ट 2 हमारा लिटरेचर हो, मतलब संस्कृत का दोनों बुक को और इसके साथ साथ व्याकरण का पूरा कलेक्शन, पूरा का पूरा पार्ट आपको इस बैच में कंप्लीट कराया जाएगा। बच्चों, इस बैच को हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन है गुरुकुलम, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके सीधा इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्ज बैच का रखा गया है। बच्चों, आप सभी लोगों को पुनः इस बैच में बहुत बहुत स्वागत है। आइए बैच को प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। कोई भी काम बच्चों प्रारंभ करने से पहले विघ्न विनाशक, विपत्ति हर्ता और बुद्धि के देव। क्या चीज बच्चों? विघ्न विनाशक, विपत्ति हर्ता और बुद्धि के देवता। आइए सबसे पहले भगवान गणेश को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं और बैच आपका प्रारंभ करते हैं। बच्चों, बैच प्रारंभ करने से पहले कुछ एक छोटा सा कहानी है, कहानी सुनाते हुए आई की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है यूं कि रोड के किनारे एक अभियान चल रहा था, और उस अभियान में पहला जो आगे वाला व्यक्ति था वो गड्ढा मारते जा रहा था, और कुछ दूर से पीछे वाले व्यक्ति जो आ रहा था गड्ढा को भरते जा रहा था। आगे वाला व्यक्ति गड्ढा मारते जा रहा है, पीछे वाला व्यक्ति गड्ढा भरते जा रहा है। रोड पे अपना बस, ट्रक, ऑटो, रिक्शा सब अपने लेवल से जा रहा है, किसी को उससे कोई ध्यान नहीं है। एक व्यक्ति ने देखा कि आखिर ये हो क्या रहा है, आगे वाला गड्ढा मारते जा रहा है, पीछे वाला गड्ढा को भरते जा रहा है, आखिर ये क्या हो रहा है। उसे रहा नहीं गया, आगे वाला व्यक्ति के पास जाकर के बोला कि आप क्या कर रहे हैं? तो बोले कि हमारा ये काम है, काम अपना कर रहे हैं, अब अपना काम कीजिए। फिर व्यक्ति को रहा नहीं गया, पीछे वाले व्यक्ति से जाकर के पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आगे वाला को देख रहे हैं गड्ढा मारते जा रहा है, आप पीछे वाले हैं गड्ढा भरते जा रहे हैं, आखिर ये हो क्या रहा है? तो व्यक्ति बोला कि देखिए, ये सरकारी योजना है और सरकारी योजना में दखलंदाजी करना बहुत ही भारी पड़ सकता है, इसलिए आप इसमें किसी भी प्रकार की दखलंदाजी ना करें, इसको अपने गति से चलने दीजिए। आपका जो काम है वो आप अपना कीजिए, हमारा जो काम है वो हम अपना कर रहे हैं। व्यक्ति जा करके थोड़ा देर बैठ जाता है, फिर आता है और अब आगे वाला से जा करके कुदाल पकड़ कर करके बैठ जाता है और पूछता है आखिर ये हो क्या रहा है, जब तक आप बताइएगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो व्यक्ति बोला कि देखिए, ये सरकारी योजना है, सरकारी योजना में हम 3 व्यक्ति मिलकर के टेंडर लिए थे, और टेंडर था ये कि रोड के किनारे किनारे पौधा लगाना है। 3 व्यक्ति मिलकर के टेंडर लिए थे, हम अपना काम बखूबी से निभा रहे हैं, गड्ढा मारने का टेंडर हमने लिया था, गड्ढा मारने का काम कर रहा है, पीछे वाला जो है वो भी बखूबी से अपना ड्यूटी निभा रहा है, गड्ढा भरने का काम उसने लिया था, गड्ढा भरने का काम कर रहा है, लेकिन बीच में जो एक व्यक्ति है पौधा डालने का काम करने वाला, वो आज अब्सेंट मार दिया है, वो आज अब्सेंट मार दिया है। और फाइनली हुआ क्या बच्चों, आगे वाला का काम भी बर्बाद होते जा रहा है, पीछे का पसीना बर्बाद होते जा रहा है, बशर्ते कि पौधा नहीं डला रहा है। बच्चों, इस कहानी से यही सीख मिलता है कि टीचर आपके लिए आगे का रास्ता बनाते जा रहा है, आगे का रास्ता बनाते जा रहा है, पिताजी पीछे से सारा सपोर्ट करते जा रहे हैं, जो कुछ मांगते हैं सारा कुछ व्यवस्था बनाते चले जा रहे हैं, कहीं बीच में आप जो हैं
वो तो दुविधा में नहीं है, कहीं आप जो हैं वो तो बंक मारने वाले नहीं हैं, कहीं आप जो हैं उनको पढ़ाई से इंटरेस्ट तो खत्म हो गया है, कहीं आप जो हैं आपका कोई टारगेट अचीव करने का टारगेट नहीं है। बच्चों अगर ऐसी कहानी है तो ना टीचर का मेहनत सफल हो पाएगा, ना उस पेरेंट्स का मेहनत सफल हो पाएगा, और फिर अंतिम जो परिणाम आएगा उसके चक्कर में सब लोगों को एक साथ गाली सुनना पड़ेगा। तो ये कहानी इन चीज़ों को जिक्र करता है कि आपका कितना इम्पोर्टेंस है। तीनों लोग जब मिल करके सही वे में काम कर पाएंगे तो लाइफ पूरा थ्री पिलर सही प्रकार से चल पाएगा, ऑटो सही से आगे बढ़ पाएगा, लेकिन कोई एक बीच का बंक मारेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। बच्चों टीचर का पसीना भी परिश्रम में चला गया, बेकार चला गया, पिता का पैसा भी चला गया, आपको तो गया ही गया, सारा कुछ आपका चला गया। तो बच्चों क्लास ज्वाइन करें, लेकिन इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप बंक ना मारें। आइए बच्चों आगे क्लास में बढ़ते हैं। क्लास जो आपका सिलेबस है, क्लास टेंथ का जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस है मुख्य रूप से तीन चीज़। पहला है आपका संस्कृत, व्याकरण। क्या चीज़ है बच्चों? संस्कृत व्याकरण। ये बोर्ड के द्वारा अप्रॉक्स 60% तक आता है। कितना परसेंट? 60%। डैट मीन्स बच्चों संस्कृत व्याकरण से आप जो कुछ पढ़ेंगे, संस्कृत व्याकरण में आपको मैं इस बैच में जो कुछ पढ़ाऊंगा उससे आपको 60% तैयारी हो जाएगा। क्या चीज़ से? तो संस्कृत व्याकरण से। दूसरा पार्ट बच्चों है आपका बुक वन, और थर्ड पार्ट है बुक 2। ये आपका कहानी का बुक होगा। ये दोनों पार्ट मिला करके लगभग 40% क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। कुल 100 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें 60% व्याकरण से आता है, 40% के आसपास बुक से आता है। अब बुक में देख रहे हैं दो पार्ट है, पहला बुक 1 और दूसरा बुक 2। अब बच्चों बुक 1 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका विशेष विशेष 40 में मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। ये आपका सेकेंडरी बुक है जिससे बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, अप्रॉक्स 5-7 नंबर तक का बहुत है, ठीक है। तो बच्चों क्या सर इसकी तैयारी हम कैसे कर पाएंगे? तो बच्चों अगर आपको हम बता दें, अगर आप ऑफलाइन में क्लास ज्वाइन करेंगे, जो कि अखाड़ा घाट गायत्री मंदिर के पास हमारा क्लास है, क्लास का नाम है द गुरुकुलम, ठीक है, ऑफलाइन में ज्वाइन करेंगे तो ये सिलेबस आपको लगभग हम 3 महीने में कंप्लीट कराएंगे, जिसका चार्ज आपसे कम से कम 3,000 से 3,500 रुपया लेंगे, ठीक है। ऑफलाइन में ज्वाइन करेंगे तो कितना चार्ज लेंगे? 3,000 से 3,500 रुपया लेंगे, बोलेंगे क्रैश कोर्स है और पूरी की पूरी सिलेबस आपको हम पढ़ाएंगे। लेकिन यही बच्चों अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे ले रहे हैं तो एप्लीकेशन पे आप चार्ज देख ही रहे हैं कितना कम चार्ज है, सही है बच्चों। और बोर्ड में मैक्सिमम ना मार्क्स ऑब्टेंड करने का जो पार्ट है, पहला सेक्शन है आपका संस्कृत। संस्कृत में ये अगर आप 60% तैयारी कर रहे हैं तो खुद ब खुद इसका 60 मतलब हिंदी का 40% के आसपास सिलेबस आपका ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएगा। क्या क्या चीज़? तो बच्चों संस्कृत में समास पढ़ना है, विसर्ग लगा दिए तो संस्कृत का, विसर्ग हटा दिए तो हिंदी का। बच्चों संस्कृत में संधि पढ़ना है, विसर्ग लगा दिए तो संस्कृत का, विसर्ग हटा दिए तो हिंदी का। संस्कृत में बच्चों विशेष ये कर्ता पढ़ना है, संस्कृत लगाएं तो ये विसर्ग लगाएं तो संस्कृत का, विसर्ग हटाएं तो हिंदी का। इस प्रकार से बहुत सारा पार्ट है,
बहुत सारा पार्ट है जो संस्कृत और हिंदी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो कहने का मतलब है बच्चों, अगर हम संस्कृत को तैयारी करते हैं तो ये हमारा 100 मार्क्स नहीं, अप्रोक्स 150 मार्क्स का ये सिलेबस तैयार होता है। लेकिन बच्चे लोगों को ये गणना टीचर लोग बताते नहीं हैं, तो बच्चे फाइनली करते क्या हैं, तो करते हैं कि मैथ, साइंस, SST के चक्कर में दिन रात पिसते रहते हैं और फाइनली रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल पाता है, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट ये है। क्या सब्जेक्ट है बच्चों? संस्कृत जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इससे नंबर स्कोर करता है, सीधे भागता है हाई लेवल में। इसलिए बच्चों इसको आप अवश्य परचेज करें और अवश्य आप पढ़ें। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं उसमें क्या है आपका सिलेबस प्रारंभ। सिलेबस में बच्चों सबसे पहली जो इकाई है, सबसे आपका जो पहली इकाई है उसमें हम आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे संस्कृत की सबसे छोटी इकाई संधि से। क्या चीज़ से बच्चों? सर संधि से। तो पहला सिलेबस आपका हम पढ़ाएंगे Part 1 संधि। संधि में अप्रॉक्स 20-25 क्लास है, ठीक है। 20-25 क्लास कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरा पार्ट है आपका अनुवाद प्रकरण। क्या चाहिए बच्चों? अनुवाद प्रकरण। तो पहले चीज बच्चों किसका यूज कहाँ है समझ लेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। संधि के अंतर्गत क्या होता है? तो दो या दो से अधिक वर्ण दिया गया है या फिर शब्द दिया गया है, उसको जोड़ करके एक कर देना संधि कहलाता है। दो या दो से अधिक टर्म है उसको जोड़ करके एक कर देना संधि, और बड़ा कोई टर्म है उसको बीच से खंडन कर देना क्या कहलाता है? संधि, विच्छेद कहलाएगा। क्या कहलाता है? तो दो पार्ट हो गया, पहला संधि और दूसरा पार्ट हो गया संधि विच्छेद। क्या चीज हो गया? संधि विच्छेद। संधि मतलब होता है जोड़ना और विच्छेद मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक से कहानी आपका स्टार्ट करते हैं। आगे की भी कहानी कुछ समझ ही लीजिए बच्चों। अनुवाद प्रकरण है, अनुवाद प्रकरण में क्या काम होगा? तो बच्चों आपको संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है, संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है, उसको आप हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, डेट मीन्स अनुवाद करेंगे। तो संस्कृत को हिंदी में अनुवाद करना या फिर कुछ हिंदी में वाक्य लिखा हुआ है उसको संस्कृत में पुनः कन्वर्ट करना, ये पूरा का पूरा पार्ट पढ़ाएंगे अनुवाद प्रकरण में।